Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जरा ध्यान से देखिए इस आदमी को जो जम्मू कश्मीर को गलत राह पर ले जाना चाहता था, जो चाहता था कि जम्मू कश्मीर के युवा नशे में लिप्त हो जाएं, लेकिन शायद ये भूल गया था कि बारामूला पुलिस इसे रंगे हाथ पकड़ेगी और फिर इसे हवालात में डाल देगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक तरफ आतंकी मारे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा, जिसमें बारामूला पुलिस के हाथ अब बड़ी सफलता लगी है। नशे के विरुद्ध अभियान जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने जहानपुरा के शौकत बानियान नाम के ड्रग तस्कर को जिंदा गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 30 ग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ बरामद किया। वैसे ये ड्रग तस्कर तो पकड़ा ही गया, लेकिन अभी इससे पूछताछ चल रही है जिसमें ये बड़ा खुलासा कर सकता है और फिर बारामूला पुलिस और भी ड्रग तस्करों को पकड़ सकती है। वैसे इससे पहले भी नशे के विरुद्ध अभियान में बारामूला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बारामूला पुलिस ने अभी हाल ही में दानिश जावेद नाम के ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से 30 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद किया था। अब कैसे पकड़ा गया था ये तस्कर, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल नूरखा क्रॉसिंग पर सुरक्षा बलों ने एक चेक पॉइंट लगा रखा था। इस चेक पॉइंट पर खुद SHO PS बिजामा तैनात थे और उनके नेतृत्व में चेक पोस्ट पर ही पुलिस पार्टी ने एक संदिग्ध को देखा और फिर उसको वहीं पर रोक लिया। फिर उससे पूछताछ की गई। इस दौरान उसने अपनी पहचान जबदार बिजामा निवासी जावेद अहमद पुत्र दानिश जावेद के रूप में की। उसकी पहचान होने के बाद जब उसकी चेकिंग की गई तो उसके पास से 30 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ मिला और पुलिस ने उसे वहीं तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां उस पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उसके साथ आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई थी। बता दें बारामूला पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से अनुरोध किया है कि वे अपने आसपास नशीली दवाओं की तस्करी के बारे में कोई भी जानकारी लेकर सामने आए। नशीली दवाओं की तस्करी में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का साफ कहना है कि नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ हमारी लगातार कार्रवाई से समुदाय के सदस्यों को ये भरोसा मिलना चाहिए कि हम अपने समाज को नशीली दवाओं के खतरों से मुक्त रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। खैर कुछ भी हो, अब देखना तो ये होगा पुलिस के सामने ये ड्रग तस्कर क्या बड़ा खुलासा करता है। आपका क्या कुछ कहना है जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाले इस ड्रग तस्कर को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।